वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पेप्सी एक्स्ट्रा कवर। अभी नहीं, अभी नहीं, जितना भी मैच हुआ आप तक आप क्या है? कुछ नहीं, अभी चेक की ताकि जितने की साइड ला रही थी कि अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो होते हैं ये जितने भी खिलाड़ी वगैरह होते हैं या जो इस तरह के करते हैं, उनकी डाइट क्या होती है? वो स्पेशली किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि हमें ये खाना है जिससे हमें बहुत एनर्जी मिलेगी, या कोई ऐसी स्पेशल चीज लोगों को बताएं आप लोग? इंतजाम भाई तो मेरे ख्याल से पाए और नान ही खाते हैं। ये जी के बाल काट के ना ये चालू बाल है मेरे तो। पहलवान से बहुत ज्यादा डिटेलिंग है, बिकॉज इसमें प्री सीजन, इन सीजन, मैच से पहले, ड्यूरिंग मैच, मैच के बाद, सब चीजें जो है ना वो पहले से गिवन होती हैं। उसमें ये है कि मैच के दौरान आप जो है कार्बोहाइड्रेट्स, जो एनर्जी देने वाली चीजें, जिसमें आप समझे कि मीठा हो गया, पास्ता हो गया, चावल जो है वो चीजें यूज कर सकते हैं, आइसक्रीम यूज कर सकते हैं, बनानाज हैं जो आप अक्सर स्पोर्ट्स में देखते हैं कि बनानाज यूज हो रहे हैं, खजूरे भी उसमें अब काफी इस्तेमाल होने लगी हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं। लेकिन जब आप ऑफ सीजन में ट्रेनिंग करते हैं तो आप कार्ब्स को कट डाउन करते हैं, आप ज्यादा यूज करते हैं प्रोटीन्स को और फाइबर को, ताकि वो जो आपकी बॉडी का ऐसा मतलब जो आप जिस स्ट्रेंथ वर्क करते हैं अपनी बॉडी पे, तो आप बेहतर जानते होंगे अहमद भाई बॉडी बिल्डर है तो वो प्रोटीन्स तो बहुत यूज करते होंगे मसल चढ़ाने के लिए, क्योंकि जब क्रिकेट शुरू होती है तो फिर एनर्जी प्रोडक्ट्स लेते हैं, और क्योंकि इतना वेयर एंड टेयर होता है मसल्स का कि वो जितना काम हुआ होता है ना वो सारा डिटेरियोरेट हो जाता है, तो हमारा तो हर वक्त रीबिल्डिंग फेज चलता रहता है, फिर डिस्ट्रक्टिव फेज आ जाता है, तो हमने तो हर वक्त इस साइकिल में। जैसे जिस दिन मैच होता है, जैसे सुबह से लेकर रात तक मैच होता है, तो माशाल्लाह इतना भागते हैं, इतना करते हैं गेम, तो क्या उस दिन क्या आप लोगों की स्पेशल उस दिन देखे सुबह यूजुअली जो मैंने देखा है कि लड़के जो हैं वो कॉर्नफ्लेक्स को यूज करते हैं, कोई जो है फ्रेंच टोस्ट ले लिया, उसके साथ हनी थोड़ा सा यूज कर लिया, जूसेस यूज कर लिया, एग वाइट्स यूज कर ली, उसके बाद जब मैच शुरू हो जाता है उसके बाद फिर ड्यूरिंग द मैच लंच में आपको ग्रिल्ड चिकन के साथ पास्ता मिल जाता है, दाल चावल यूज हो जाते हैं, उसके अलावा जो है कुछ ऐसी चीजें जैसे आइसक्रीम हो गई या कोई कस्टर्ड हो गया जो आपको रेगुलर एनर्जी इनटेक आपकी रहे, वो आपका मैच कर रहा है। देख लेना मतलब स्कोर तो देख ले जरा, 17 हो चुका है ऑलरेडी और ओवर्स हो चुके हैं 2.5। अरे कुछ स्कोर थोड़ा ही है, स्कोर नहीं बस मुझे तो बैट बूट लग जाए ना बस करके, आज के नहीं हम कुछ सुन सकते पाकिस्तान। बट मेरे ख्याल से जो इंडिया का जो प्लान किया ना उन्होंने, ये प्लान किया है कि पिच में जो टॉस जीत के जो बॉलिंग किया ना कि हमारे बॉलर्स को पहले हेल्प मिल जाए, उनमें जितने जितने लोग टोटल पे रन आउट कर सके पाकिस्तान को कर लें, उसके बाद उन्होंने बैट्समैनों को भी दे दिया कि ड्यू फैक्टर होता है तो उसमें भी जितना उनको बैट पे बॉल आए और स्विंग उन्होंने देख के ना, तो ये जो बॉलिंग करने का फैसला किया। बाकी अभी तक जो मैचेस हुए हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान का स्टार्ट थोड़ा फास्टर रहा है। देखिये ये जो शर्जील है ये इसको T20 पे नहीं, ये हमारे साथ 4 डे भी खेला है, हमारे अगेंस्ट 4 डे भी खेला है, ये खेलता T20 की तरह ही है, ये 1 डे हो, 4 डे हो या T20 हो, जिस दिन इसका दिन हुआ ना तो ये पूरा पाकिस्तान को लेकर निकल, अभी भी देख लें ये जितना भी खेल रहा है बड़ा अच्छा, इसके बैट पे बॉल आ रहा है और इंशाल्लाह ये मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे एक मैच में PSL के खेला है इस्लामाबाद से खेला है PSL में, आज उसी तरह कुछ एक इनिंग जो है ना एक क्वेश्चन आपसे और आपसे पूछूंगी, जैसे ये मतलब दोनों टीमें जो आपस में हरीफ हैं तो इसके अलावा वो तो मैदान में तो आप लोग एक दूसरे के ऑब्वियसली हो गए, लेकिन नॉर्मल जब मैच जीत गए या हार गए या व्हाटएवर उसके बाद कोई दोस्ती वोस्ती होती है आप लोगों की आपस में, बातचीत होती है या फोन शोन या कुछ ऐसी अच्छी गुफ्तगू होती है? कुछ लोग जो ज्यादा जिनसे इंटरेक्शन होता है, दोस्तियां भी होती हैं लड़कों की, वो बाद में भी रबते रहते हैं, जैसे हम अब PSL हो गई है, IPL बड़ी देर से हो रही है, तो उसमें जब एक टीम में आप लोग इतना ज्यादा खेलते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो बहुत सारे लड़कों की आपस में दोस्तियां हो जाती हैं, फिर जब वो अपनी लीग्स में आपको रेफर भी करते हैं बिकॉज दे नो कि ये हमारे साथ रहा है, कितना अच्छा प्रोफेशनल है, तो ये चीजें अब
पहले से ज्यादा हो गई। अच्छा सलमान भाई, जब टीमें मिलती हैं एक दूसरे को जुगते भी लगाते हैं कभी कभी? जी इंडिया पाकिस्तान की टीम में होता है। मलंगे ने तुसी नहीं सी क्या सेरे दा वेख जिवें चुल्ले चो बत्तियां बाहर आईयां? फॉलो नहीं करती मैं ख्याल से हमसे ज्यादा ये फॉलो करती है, जिस तरह ये सवाल आप पूछ रही है ना, ये जो क्रिकेट को फॉलो करता है उनके मैच पे या उनपे, तो आप लोगों को कभी ऐसे फीलिंग नहीं हुई कि यार हमारे पाकिस्तानी जैसे उनकी सेलिब्रिटीज आती है, हमारे को इतना खास किसी नहीं, इतना शोज भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, इस तरह के टीवी के शोज होते हैं जैसे अभी मैच हो रहा है तो हो रहा है, बट जिस तरह वहां पे करते हैं उनकी टीम भी बैठी होती है, उनकी सेलिब्रिटीज भी आती हैं, वो आपस में पिक्चर्स भी बनती है, सब कुछ होता है। ये चीजें, ये पीएसएल हुई है ना, तो ये चीजें जरा ज्यादा होंगी आगे, आपको पाकिस्तान में आपको पता है कल्चर डिफरेंस है थोड़ा सा, तो हम लोग हेजिटेट करते हैं इन चीजों की तरफ। आई थिंक विद दिस इनॉग्रल पीएसएल आप इन चीजों में वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता देखें। मेरा कहना है ऑडियंस से हमारी टीम बड़े टूर्नामेंट में अक्सर भारत से हार क्यों जाती है? ये कैमरे की सफाई है। जवाब देने की नहीं देना इस बात नहीं, बिल्कुल देखें जहां पे क्रेडिट ड्यू है वो देना चाहिए। आई थिंक जो बड़े मैचेस हैं उन सबका रिजल्ट अगर देख ले तो इंडिया ने बेहतर उसको प्लान किया और उन्होंने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली है उन मैचेस में। चले ठीक है, थोड़ी सी तालियां इंडिया की, थोड़ी सी क्या बड़ी करके बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करो जल्दी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। सुना है कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारे सीनियर खिलाड़ी को जो एम्पायर वगैरह वो जल्दी आउट नहीं देते, ऐसा क्यों है? नहीं ऐसा नहीं है, अंपायर कई दफा तो ऐसा भी होता है कि अंपायर नहीं पे आउट होता तो दे देते हैं, जाहिर है इंसान है, ह्यूमन एरर हो जाता है टाइम्स थोड़ा सा। ये कुछ अंपायर जो बिल्कुल नए आते हैं डोमेस्टिक सर्किट में उनके सामने जब एक बहुत एस्टेब्लिश नाम वाला प्लेयर आ जाए तो वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं डिसीजन देने में, ये बिल्कुल होता है, लेकिन ये पर्सनैलिटी का इफेक्ट होता है उनके ऊपर जो कि नहीं होना चाहिए। आई थिंक जब टेलीवाइज होंगे ना मैचेस तो ये प्रेशर उन पर कम हो जाए। दूसरा बात साहब ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत अच्छा किया है कि जो मैचेज होते हैं ना उसकी सारी, आप भी माशाल्लाह क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो जो मैच की पूरी रिकॉर्डिंग होती है तो उसमें सारे, अगर मैच अंपायर कोई गलत करता है तो वो जरूर उसकी रिपोर्ट। ये अब ऐसा हो जाएगा मैच के दौरान मुखालिफ टीम के प्लेयर आपस में क्या बातें करते हैं? वो आपस में क्या बातें करते हैं ये हम क्या बता सकते हैं कि वो आपस में क्या बातें करते हैं, ये तो सवाल नजूमी से सवाल मैं नाम वकास रजा और मेरा सवाल अदनान भाई से है कि अक्सर लोग बचपन में बैटिंग के लिए लड़ते हैं, क्या आप तीनों भाई भी बचपन में बैटिंग के लिए लड़ते थे? वो तो अभी भी बचपन में और इनकी गुड लक है माशाल्लाह, बचपन में भी बचपन में है। नहीं ऐसा नहीं है, असल में हमारे घर में क्रिकेट इतनी खेली जाती थी, जो मेरे अब्बू थे वो बहुत ज्यादा क्रिकेट को लाइक करते थे, खैर उनके दौर में क्रिकेट नहीं होती थी पर हमें उन्होंने बहुत खिलाया क्रिकेट और हम जो आज क्रिकेटर बने हैं अपने माँ बाप की वजह से बने हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तो माँ बाप डांटते थे, हम क्रिकेट पे नहीं खेलने जाते थे तो हमें डांट पड़ती, आज तक पड़ती है, कामी भाई से भी पड़ती है, अब्बू से भी पड़ती है, तो जो क्रिकेट हम खेले ना वो घर से खेले और घर से ही बने हैं और घर से ही मेहनत करनी स्टार्ट की और कीपिंग, हाँ कीपिंग जो है ना सबसे पहले कामी भाई ने किया तो उनको देख के मैंने शुरू किया है, तो वो घर में ऐसा एक जम्स आ गए हैं घर में तो वो कीपिंग में रहे बस। ये तो मतलब इनके पेरेंट्स और कामी भाई के लिए तालियां। और कोई सवाल है? नहीं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, मैं पाकिस्तान का सपोर्टर हूँ, मेरा नाम हफीज नाज। सलमान भट्ट साहब से मेरा ये सवाल है कि आप पाकिस्तान की टीम में क्यों नहीं आ रहे, कि आप इंडिया को इतना अच्छा पीटते हैं तो आप क्यों नहीं आते पाकिस्तान की टीम में? पर्सनल सवाल का
एक पाकिस्तान में टीम में आने का एक प्रोसीजर है, हमें जब से दोबारा से क्रिकेट खेलने के लिए इजाजत मिली है तो उसके बाद एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में खेला हूँ, उसमें परफॉर्मेंस अच्छी रही है, इंशाल्लाह आप अपनी कोशिश करें, बाकी जब अल्लाह को मंजूर हुआ सिलेक्टर्स की। अच्छा क्वेश्चन किया भाई ने, थैंक यू सो मच। मैं भी वैसे पाकिस्तान की टीम का हूँ और मैं जो सपोर्ट करता हूँ चौधरी क्रिस गेल को। ये हमारा एक रिचुअल है, हमारे पास जो भी गेस्ट आते हैं उनके हमें सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अदनान, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, चार चांद लगाए आपने शो में आके, हमारे सिग्नेचर भी ले लीजिए। नहीं तेरे को तो नहीं लेंगे। थैंक यू, आप लोग हमारे साथ थे, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत एक्टिव रहे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अरे जी क्लोजिंग करें जरा हम शो की और जल्दी से प्रेडिक्शन दे दें कि आज का मैच कौन जीतेगा। जी मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे पाकिस्तान जीते और हमारी जो अवाम इस टाइम अपनी टीम से उम्मीदें लगाई बैठी है तो कुछ तो कारकर्दगी होती है, कुछ दुआएं जो है वो भी बहुत असर करती हैं, तो मेरी तो यही विशेज है कि अल्लाह करे जीते और रिक्वेस्ट इंशाल्लाह जीतेंगे। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम शो, कहीं मत जाइएगा कल। ऑडियंस वो ही नाम बड़ी देर से बेताब ऐसे सुछल गए माइक लेके जरा। ओ मेरा भाई चौका एक जल्दी सवाल। My name is Shazia. जी सामने आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन टू बस साहब। ओके हमारी टीम बड़े टूर्नामेंट में अक्सर भारत से हार क्यों जाती है? ये कैमरे की सफाई जवाब देने की नहीं देना इस बात नहीं, बिल्कुल देखें जहां पे क्रेडिट ड्यू है वो देना चाहिए। आई थिंक जो बड़े मैचेस हैं उन सबका रिजल्ट अगर देख ले तो इंडिया ने बेहतर उसको प्लान किया और उन्होंने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली है उन मैचेस में। चलें ठीक है, थोड़ी सी तालियां इंडिया के लिए। थोड़ी सी क्या, बड़ी करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुना है कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारे सीनियर खिलाड़ी को जो एम्पायर वगैरह वो जल्दी आउट नहीं देते, ऐसा क्यों है? नहीं ऐसा नहीं है, अंपायर कई दफा तो ऐसा भी होता है कि अंपायर नहीं भी आउट होता तो दे देते हैं, जाहिर है इंसान है ह्यूमन एरर हो जाता है टाइम्स। थोड़ा सा ये कुछ अंपायर जो बिल्कुल नए आते हैं डोमेस्टिक सर्किट में उनके सामने जब एक बहुत एस्टेब्लिश नाम वाला प्लेयर आ जाए तो वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं डिसीजन देने में, ये बिल्कुल होता है लेकिन ये पर्सनैलिटी का इफेक्ट होता है उनके ऊपर जो कि नहीं होना चाहिए। आई थिंक जब टेलीवाइज होंगे ना मैचेस तो ये प्रेशर उन पे कम हो जाए। दूसरा बात साहब ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत अच्छा किया है कि जो मैचेस होते हैं ना उसकी सारी, आप भी माशाल्लाह क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो जो मैच की पूरी रिकॉर्डिंग होती है तो उसमें सारे अगर मैच अंपायर कोई गलत करता है तो वो जरूर उसकी रिपोर्ट। ये अब ऐसा हो गया लेकिन न्यूट्रल अंपायर नहीं होता, निकल होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सवाल है कि मैच के दौरान मुखालिफ टीम के प्लेयर क्या बातें करते हैं? मेरा नाम है साहब अहमद है, मेरा सवाल है कि मैच के दौरान मुखालिफ टीम्स के प्लेयर आपस में क्या बातें करते हैं? वो आपस में क्या बातें करते हैं ये हम क्या बता सकते हैं कि वो आपस में क्या बातें करते हैं, ये तो सवाल नजूमी से सवाल होता है। मेरा नाम वकास रजा और मेरा सवाल अदनान भाई से है कि अक्सर लोग बचपन में बैटिंग के लिए लड़ते हैं, क्या आप तीनों भाई भी बचपन में बैटिंग के लिए लड़ते थे? वो तो अभी भी बचपन में और इनकी गुड लक है माशाल्लाह, बचपन में भी बचपन में है। असल में हमारे घर में क्रिकेट इतनी खेली जाती थी, जो मेरे अबू थे वो बहुत ज्यादा क्रिकेट को लाइक करते थे, खैर उनके दौर में क्रिकेट नहीं होती थी पर हमें उन्होंने बहुत खिलाया क्रिकेट और हम जो आज क्रिकेटर बने हैं अपने माँ बाप की वजह से बने हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तो माँ बाप डांटते थे, हम क्रिकेट पे नहीं खेलने जाते थे तो हमें डांट पड़ती है, आज तक पड़ती है, कामी भाई से भी पड़ती है, अबू से भी पड़ती है, तो जो क्रिकेट हम खेले ना वो घर से खेले हैं और घर से ही बने हैं
और घर से ही मेहनत करनी स्टार्ट की और कीपिंग, हाँ कीपिंग जो है ना सबसे पहले कामी भाई ने किया, तो उनको देख के मैंने शुरू किया है, तो वो घर में ऐसा एक जम्स आ गए हैं घर में, तो वो कीपिंग में रहे बस। तो मतलब इनके पेरेंट्स और कामी भाई के लिए तालियां। और कोई सवाल है? नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी मैं पाकिस्तान का सपोर्टर हूँ, मेरा नाम हफीज नाज। सलमान भट्ट साहब से मेरा ये सवाल है कि आप पाकिस्तान की टीम में क्यों नहीं आ रहे, कि आप इंडिया को इतना अच्छा पीटते हैं तो आप क्यों नहीं आते पाकिस्तान की टीम में? पर्सनल सवाल कर लेते हैं। एक पाकिस्तान में टीम में आने का एक प्रोसीजर है, हमें जब से दोबारा से क्रिकेट खेलने के लिए इजाजत मिली है तो उसके बाद एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में खेला हूँ, उसमें परफॉर्मेंस अच्छी रही है, इंशाल्लाह अपनी कोशिश करें, बाकी जब अल्लाह को मंजूर हुआ सिलेक्टर्स की। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया भाई ने। थैंक यू सो मच। मैं जी वैसे पाकिस्तानी टीम का हूँ और मैं जो सपोर्ट करता हूँ चौधरी क्रिस गेल को। जितना काम हुआ होता है ना वो सारा डिटेरियोरेट हो जाता है, तो हमारा तो हर वक्त रीबिल्डिंग फेज चलता रहता है, फिर डिस्ट्रक्टिव फेज आ जाता है, तो हमने तो हर वक्त इस साइकिल में। जैसे जिस दिन मैच होता है, जैसे सुबह से लेके रात तक मैच होता है, तो माशाल्लाह इतना भागते हैं, इतना करते हैं गेम, तो क्या उस दिन क्या आप लोगों की स्पेशल कुछ चीज़? देखिए सुबह यूजुअली जो मैंने देखा है कि लड़के जो हैं वो कॉर्नफ्लेक्स को यूज करते हैं, कोई जो है फ्रेंच टोस्ट ले लिया, उसके साथ हनी थोड़ा सा यूज कर लिया, जूसेस यूज कर लिया, एग वाइट्स यूज कर ली, उसके बाद जब मैच शुरू हो जाता है उसके बाद फिर ड्यूरिंग द मैच लंच में आपको ग्रिल्ड चिकन के साथ पास्ता मिल जाता है, दाल चावल यूज हो जाते हैं, उसके अलावा जो है कुछ ऐसी चीजें जैसे आइसक्रीम हो गई या कोई कस्टर्ड हो गया जो आपको रेगुलर एनर्जी इंटेक आपकी रहे, वो आपका मैच देख लेना, मतलब स्कोर तो देख ले जरा, 17 हो चुका है ऑलरेडी और ओवर्स हो चुके हैं 2.5। अरे कुछ स्कोर थोड़ा ही है, मुझे बैट बूट लग जाए ना बस करके, आज के नहीं हम कुछ सुन सकते पाकिस्तान। बच्चा मेरे ख्याल से जो इंडिया का जो प्लान किया ना उन्होंने, ये प्लान किया है कि पिच में जो टॉस जीत के जो बॉलिंग किया ना, कि हमारे बॉलर्स को पहले हेल्प मिल जाए, उनमें जितने जितने लोग टोटल पे रन आउट कर सके पाकिस्तान को कर लें, उसके बाद उन्होंने बैट्समैनों को भी दे दिया है कि ड्यू फैक्टर होता है तो उसमें भी जितना उनको बैट पे बॉल आए स्विंग देख के ना, तो ये जो बॉलिंग करने का फैसला, बाकी अभी तक जो मैचेस हुए हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान का स्टार्ट थोड़ा फास्टर रहा है। देखिये ये जो शर्जील है ये इसको T20 पे नहीं, ये हमारे साथ 4 डे भी खेला है, हमारे अगेंस्ट 4 डे भी खेला है, ये खेलता T20 की तरह ही है, ये 1 डे हो 4 डे हो या T20 हो, जिस दिन इसका दिन हुआ ना तो ये पूरा पाकिस्तान को लेकर निकल जाएगा। ये अभी भी देख लें, अभी भी देख लें, ये जितना भी खेल रहा है बड़ा अच्छा, इसके बैट पे बॉल आ रहा है और इंशाल्लाह ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एक मैच में PSL के खेला है इस्लामाबाद से खेला है PSL में, आज इसी तरह कुछ एक इनिंग जो है ना आज चल रहा है। एक क्वेश्चन आपसे और आपसे पूछूंगी, जैसे ये मतलब दोनों टीमें जो आपस में हरीफ है, तो इसके अलावा वो तो मैदान में तो आप लोग एक दूसरे के ऑब्वियसली हो गए, लेकिन नॉर्मल जब मैच जीत गए या हार गए या व्हाटएवर, उसके बाद कोई दोस्ती वोस्ती होती है आप लोगों की आपस में, बातचीत होती है या फोन शोन या कुछ ऐसी? अच्छी गुफ्तगु होती है, कुछ लोग जो ज्यादा जिनसे इंटरेक्शन होता है, दोस्तियां भी होती हैं लड़कों की, वो बाद में भी रबते रहते हैं, जैसे हम अब PSL हो गई है, IPL बड़ी देर से हो रही है, तो उसमें जब एक टीम में आप लोग इतना ज्यादा खेलते हैं इकट्ठे रहते हैं तो बहुत सारे लड़कों की आपस में दोस्तियां हो जाती हैं, फिर जब वो अपनी लीग्स में आपको रेफर भी करते हैं बिकॉज दे नो कि ये हमारे साथ रहा है, कितना अच्छा प्रोफेशनल है, तो ये चीजें अब पहले से ज्यादा हो गई। अच्छा सलमान भाई, जब टीमें मिलती हैं एक दूसरे को जुगते भी लगाते हैं कभी कभी? जी इंडिया पाकिस्तान की टीम में होता है। मलंगे ने तुसी नहीं सी क्या सेरे दा वेज में चले जो बत्तियां बाहर रही क्रिकेट को फॉलो नहीं करती, मैं ख्याल से हमसे ज्यादा ये फॉलो कर रही है, जिस तरह के ये सवाल आप पूछ रही है ना, ये जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनके मैच पे या उन पे, तो आप लोगों को कभी ऐसी फीलिंग नहीं हुई कि यार हमारे पाकिस्तानी जैसे उनकी सेलिब्रिटीज आती हैं, हमारे
कोई इतना खास किसी नहीं, इतना शोज भी नहीं होते, कोई कुछ भी नहीं होता, इस तरह के टीवी के शोज होते हैं जैसे अभी मैच हो रहा है तो हो रहा है, बट जिस तरह वहां पे करते हैं उनकी टीम भी बैठी होती है, उनकी सेलिब्रिटीज भी आती है, वो आपस में पिक्चर्स भी बनती है, सब कुछ होता है। ये पीएसएल हुई है ना तो ये चीजें जरा ज्यादा होंगी आगे, आपको पाकिस्तान में आपको पता है कल्चर डिफरेंस है थोड़ा सा, तो हम लोग हेजिटेट करते हैं इन चीजों की तरफ। आई थिंक विद दिस इनॉग्रल पीएसएल आप इन चीजों में वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता देखेंगे। ऑडियंस से व्यूअर्स आप देख रहे हैं पेप्सी एक्स्ट्रा कवर, अभी नहीं अभी नहीं, जितना भी मैच हुआ आप तो क्या है कुछ नहीं अभी चेक किया कि जितने सट लग दी कि नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो होते हैं ये जितने भी खिलाड़ी वगैरह होते हैं या जो इस तरह के करते हैं, उनकी डाइट क्या होती है, वो स्पेशली किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि हमें ये खाना है जिससे हमें बहुत एनर्जी मिलेगी, या कोई ऐसे स्पेशल चीज लोगों को बताएं आप लोग? इंतजाम भाई तो मेरे घर पाए और ना नहीं खाते ये जी के बाल काट के ना चालू बाल है से बहुत ज्यादा डिटेलिंग है बिकॉज इसमें प्री सीजन इन सीजन मैच से पहले ड्यूरिंग मैच मैच के बाद सब चीजें जो है ना वो पहले से गिवन होती हैं। उसमें ये है कि मैच के दौरान आप जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो एनर्जी देने वाली चीजें जिसमें आप समझे कि मीठा हो गया पास्ता हो गया चावल जो है वो चीजें यूज कर सकते हैं, आइसक्रीम यूज कर सकते हैं, बनानाज हैं जो आप अक्सर स्पोर्ट्स में देखते हैं कि बनानाज यूज हो रहे हैं, खजूरें भी उसमें अब काफी इस्तेमाल होने लगी हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं। लेकिन जब आप ऑफ सीजन में ट्रेनिंग करते हैं तो आप कार्ब्स को कट डाउन करते हैं, आप ज्यादा यूज करते हैं प्रोटीन्स को और फाइबर को, ताकि वो जो आपकी बॉडी का ऐसा मतलब जो आप जिस स्ट्रेंथ वर्क करते हैं अपनी बॉडी पे, तो आप बेहतर जानते होंगे अहमद भाई बॉडी बिल्डर है तो वो प्रोटीन्स तो बहुत यूज करते होंगे मसल चढ़ाने के लिए, क्योंकि जब क्रिकेट शुरू होती है तो फिर एनर्जी प्रोडक्ट्स लेते हैं और क्योंकि इतना वेयर एंड टेयर होता है मसल्स का कि वो